कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द करेंगे। आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। देखो बच्चों, अरे कितना सुंदर उद्यान है। अरे कितना सुंदर उद्यान है। अरे कितना सुंदर बाग है। अरे कितनी सुंदर वाटिका है। अरे कितनी सुंदर फुलवारी है। देखो बच्चों, एक ही चीज़ के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे उद्यान, बाग, वाटिका, फुलवारी। आप देख रहे हैं ना कि एक ही शब्द बगीचा को विभिन्न लोगों ने उपयुक्त चित्र में विभिन्न नामों से पुकारा है, जबकि सबका अर्थ एक है। अर्थात हम एक ही वस्तु, प्राणी आदि को कई नामों से जानते हैं। नाम अलग-अलग हों परंतु उनका अर्थ एक हो, इसे ही हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, जब हम एक ही शब्द के अनेक अर्थ लिखते हैं तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी उसी के जैसे और शब्द, यानी उस शब्द के जैसे ही और शब्द लिखने हैं और उन्हें हम समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ पर्यायवाची शब्दों को पढ़ो और समझो, जैसे नेत्र, नैन, नयन, चक्षु, लोचन, आँख। अब नंबर दो, उपवन। बाग, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। फिर पानी। पानी को हम क्या कहेंगे? नीर, तोय, अंबु, जल। मित्र। मित्र को क्या कहेंगे? दोस्त, सखा, सखी, सहचर, साथी। देखो बच्चों, जब हम किसी को एक शब्द से यानी उसके अर्थ से बुलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे बादल। यदि हम आपको कहें कि बादल के तीन नाम लिखो तो आप कैसे लिखेंगे? मेघ, प्योद, पयोधर, नीरद, जलद। ऐसे ही सूर्य, सूरज, दिनेश, दिवाकर, दिनकर। अब चांद। शशि, मयंक, राकेश, चंद्रमा। रात को क्या क्या कहेंगे? रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। अब दिन। दिन को क्या कहेंगे? दिवस, वार, दिवा, वार, वासर। फूल। पुष्प, सुमन, परसून, कुसुम। अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे पेड़ को। वृक्ष, तरु, विटप, द्रुम, पादप। आपने देखा बच्चों, ये एक ही शब्द के कितने कितने अर्थ दिए हैं, यानी उसी शब्द को हम किस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये पर्यायवाची शब्द किए हैं। हम कुछ और पर्यायवाची शब्द करते हैं, ठीक है बच्चों? देखो, पक्षी। खग, विहग, पक्षी, पखेरू, नभचर। अब शाम। शाम, साय, संध्या, सांझ, सायकाल। 14, सुबह। प्रातः, सवेरा, भोर, प्रभात। अब हम हवा को क्या कहेंगे? पवन, वायु, अनिल,
समीर, झंडा, झंडे को क्या कहेंगे? ध्वज, पताका, ध्वजा, निशान, केतु। अब संसार, संसार को देखो बच्चों क्या क्या कहते हैं। जग, जगत, दुनिया और विश्व, दुनिया और विश्व। अब आकाश, आकाश को हम क्या क्या कहेंगे? नभ, व्योम, आसमान, गगन। घर, घर को क्या कहेंगे? गृह, भवन, आलय, निकेतन, बालक। बालक को क्या कहते, क्या क्या कहते हैं? बच्चा, लड़का, शिशु। अब देखो बच्चों, करके देखो, इन चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे ये सूरज दिया है तो हमने यहाँ लिखा है सूरज और सूर्य। यहाँ फूल दिया है तो फूल का हम लिखेंगे पुष्प, सुमन। यहाँ बालक है, बालक का हम लिखेंगे बालक, शिशु। पेड़, पेड़ का हम लिखेंगे पेड़, वृक्ष। यहाँ आँख दिया है, आँख के लिए हम लिखेंगे नेत्र, लोचन। अब यहाँ चांद दे दिया है तो चांद को हम क्या लिखेंगे? चांद, शशि। अब प्रश्न नंबर दो, सही का चिन्ह लगाओ। पर्यायवाची शब्द में अर्थ कैसे होते हैं? विलोम, अर्थहीन, एक समान या आसमान, असमान। एक समान यानी एक जैसे अर्थ होते हैं। ख, प्रातः, सवेरा, भोर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शाम, सुबह, रात, दिन। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सुबह के। किसके हैं बच्चों? सुबह के। अब देखो बच्चों, अब हम कुछ विलोम शब्द भी लिखेंगे। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। जिन शब्दों को का अर्थ उल्टा होता है, उनके विपरीत होता है, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की तालिका, जैसे भीतर, बाहर, शत्रु, मित्र, निडर, डरपोक, देशी, विदेशी, उपस्थित, अनुपस्थित, सर्दी, गर्मी, सच्चा, झूठा, सुख, दुख, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोगी, भारी, हल्का, कायर, वीर, अपना, पराया, उल्टा, सीधा, नया, पुराना, नेक, दुष्ट, बुरा, भला, पक्का, कच्चा, बदबू, खुशबू, मुश्किल, आसान, अमीर, गरीब, रोना, हंसना, दिन, रात, ऊपर, नीचे, कम, अधिक, सरल, कठिन, प्रश्न, उत्तर, हार, जीत, सुबह, शाम, दूर, निकट। अब देखो बच्चों, हमने ये पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। इनके अलावा हम और भी पर्यायवाची शब्द कर सकते हैं। देखो, करके देखो, यहाँ क्या दिया है कि करके देखो। पुराना, नीचा, झूठ, मीठा, निकट, अनेक, हार, कायर, ये कंप्यूटर पर शब्द लिखे हुए हैं। कंप्यूटर में से उचित विलोम शब्द छांटकर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखो। जैसे नया लिखा है, यहाँ हम क्या लिखेंगे? नया का पुराना। जीत, हार, वीर, कायर, ऊंचा, नीचा, दूर,
निकट, खट्टा मीठा, सच झूठ, एक अनेक। ठीक है बच्चों, अब ये देखो सही का निशान लगाओ। विलोम शब्द कौन सा अर्थ देते हैं? समान, उल्टा, एक, अनेक। उल्टा कौन सा अर्थ देते हैं? उल्टा अर्थ देते हैं। ख, पर्सन का विलोम शब्द बताओ। खुशी उमंग, अपर्सन सुखी, अपर्सन। खुशी का विलोम शब्द है, पर्सन का विलोम शब्द है अपर्सन। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में रंगीन शब्द का विलोम शब्द भरो। साहस और हिम्मत से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। इस पेटी में कुछ आम कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। घर के भीतर अंधेरा था और बाहर उजाला। हमें निडर होकर जीना चाहिए, डरपोक बनकर नहीं। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। आज कक्षा में 26 विद्यार्थी उपस्थित हैं और 4 अनुपस्थित। अमीर लोग सुंदर घरों में रहते हैं और गरीब झोपड़ियों में रहते हैं। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द दोनों किए हैं। ये आपको कॉपी में भी करने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।